बात कर रहा हूँ ओ ओवर फ्लैग ओ ओवर फ्लो फ्लैग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवर फ्लो, जैसे कि नाम से पता है ओवर फ्लो, तो यहाँ पर बात की जाएगी ओवर फ्लो के बारे में। तो ओवर फ्लो ऑक्योर्स होता है। ओवर फ्लो क्या होता है? ऑक्योर्स होता है। तो ओवर फ्लो कब ऑक्योर्स होता है? जब कभी भी साइंड नंबर्स या तो एडेड होते हैं या फिर सब्ट्रैक्टेड होते हैं, तब तब ओवरफ्लो क्या होता है? ऑक्योर होता है। एक ओवरफ्लो क्या करता है? कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें क्या करता है? इंडिकेट करता है। तो ओवरफ्लो क्या करता है? इंडिकेट करता है। ओवरफ्लो क्या इंडिकेट करता है? ओवरफ्लो यह इंडिकेट करता है कि रिज़ल्ट ओवरफ्लो यह इंडिकेट करता है कि जो रिज़ल्ट है वो एक्सीड कर गया है, रिज़ल्ट जो है वो एक्सीड कर गया है फ्रॉम द कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी? मशीन की कैपेसिटी से एक्सीड कर गया है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि एन ओवरफ्लो इंडिकेट्स दैट द रिज़ल्ट हैज़ एक्सीडेड द कैपेसिटी ऑफ द मशीन। अब इसके ओवरफ्लो से रिलेटेड हम आपको एक एग्जांपल के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो ये है कि सपोज़ हमारे पास है वैल्यू 7FH, जिसमें कि 7FH जो कि है प्लस 127, जो कि यानी कि 7FH जो कि एक्चुअली 127, ये किससे ऐड होगा? ये ऐड होगा एक 8-बिट एडिशन का यूज़ करके। ये एक 8-बिट एडिशन के यूज़ से, यह एक 8-बिट के एडिशन से ऐड होगा 01H प्लस 1 से। तो जो रिज़ल्ट आएगा इन दोनों नंबर्स के एडिशन से, जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा? वो होगा 80H, जो होगा 80H यानी कि माइनस 128। अब यह रिज़ल्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? यह रिज़ल्ट रिप्रेजेंट करेगा एक ओवरफ्लो का कंडीशन जो कि इंडिकेटेड किया जाएगा बाय द ओवरफ्लो फ्लैग। किसके लिए? साइंड एडिशन के लिए। यह किसके लिए रहेगा? साइंड एडिशन के लिए रहेगा। यदि हमारे पास मान लीजिए साइंड ऑपरेशन आ गया, यह साइंड एडिशन के लिए रहेगा। मान लीजिए हमारे पास आ गया अनसाइंड ऑपरेशन। तो उस केस में हमको क्या करना है? उस केस में हमको कभी भी ओवरफ्लो फ्लैग को उस केस में हमें ओवरफ्लो फ्लैग को क्या करना है? इग्नोर करना है। उस केस में हमें ओवरफ्लो फ्लैग को क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। इसके बाद जिस फ्लैग के बारे में हम आपको बताएंगे वो है IOPL। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं IOPL नाम के फ्लैग के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म है IOPL का जो फुल फॉर्म है उसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल। अब इस फ्लैग का यूज़ क्यों किया जाता है? यानी कि IOPL फ्लैग का यूज़ क्यों किया जाता है? IOPL यूज़ होता है प्रोटेक्टेड मोड में। IOPL यूज़ होता है प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेशन में। क्यों यह प्रोटेक्टेड मोड में ऑपरेशन यूज़ होता है? ताकि हम सेलेक्ट कर सकें प्रीविलेज लेवल। किसके लिए सेलेक्ट कर सकें हम
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए हम प्रीवेरिएबल्स लेवल सेलेक्ट कर सकें, इसलिए IOPL का यूज़ होता है। मान लीजिए हमारे पास जो करेंट प्रीवेरिएबल लेवल है, मान लीजिए हमारे पास जो करेंट प्रीवेरिएबल लेवल है वो हायर या फिर मोर ट्रस्टेड है, हायर या फिर मोर ट्रस्टेड है किसके कंपैरिजन में IOPL के कंपैरिजन में हायर या मोर ट्रस्टेड है, तब क्या होगा, तब इनपुट आउटपुट एग्जीक्यूट होगा। किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, विदाउट हिंड्रेंस एग्जीक्यूट होगा। अब मान लीजिए IOPL लोअर देन है किससे लोअर देन है, करेंट प्रिविलेज लेवल से IOPL क्या है, लोअर देन है। तब इस केस में क्या होगा, इस केस में एक इंटरप्ट ऑक्योर होगा जिससे एग्जीक्यूशन सस्पेंड हो जाएगा। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि IOPL ऑफ 00 यदि हम लें तो वह क्या होता है, जीरो का IOPL क्या होता है हाईएस्ट होता है और हाईएस्ट होने के साथ साथ ये मोस्ट हाईएस्ट होने के साथ साथ यह मोस्ट ट्रस्टेड भी होता है, मोस्ट ट्रस्टेड होता है। और यदि हम IOPL ऑफ 11 की बात करें तो यह सबसे लोएस्ट होता है और यही लीस्ट ट्रस्टेड होता है। इसके बाद जिस फ्लैग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है NT यानी कि नेस्टेड टास्क। यदि इस फ्लैग को हम समझें तो नेस्टेड टास्क फ्लैग क्या करता है, यह इंडिकेट करता है कि करंट टास्क नेस्टेड हो। किसमें नेस्टेड हो विद इन अनदर टास्क। किस तरह के मोड ऑपरेशन में प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेशन है। जो नेस्टेड टास्क फ्लैग है वो क्या होता है, वो सेट होता है। नेस्टेड टास्क फ्लैग क्या होता है सेट होता है जब भी टास्क नेस्टेड होता है। किसके द्वारा नेस्टेड होता है, बाय द सॉफ्टवेयर। इसके बाद जिस फ्लैग के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो है RF फ्लैग, जिसे हम रिज्यूम फ्लैग भी कहते हैं। अब यह रिज्यूम फ्लैग क्या काम करता है, इस रिज्यूम फ्लैग का यूज़ किया जाता है डीबगिंग के साथ। क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि
ताकि कंट्रोल किया जा सके, ताकि कंट्रोल किया जा सके, किसे कंट्रोल किया जा सके, रिजम्पशन ऑफ एग्जीक्यूशन, ताकि हम कंट्रोल कर सकें रिजम्पशन ऑफ एग्जीक्यूशन कब कंट्रोल कर सकें हम, आफ्टर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसके बाद जिस फ्लैग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है VM फ्लैग। VM यानी कि वर्चुअल मोड। अब यह फ्लैग काम क्या करता है, वर्चुअल फ्लैग मोड, जो भी वर्चुअल मोड का फ्लैग बिट है, वर्चुअल मोड का जो फ्लैग बिट है वह क्या करता है, वर्चुअल मोड ऑपरेशन को सेलेक्ट करता है एक प्रोटेक्टेड मोड सिस्टम में। तो वर्चुअल मोड फ्लैग बिट सेलेक्ट करता है वर्चुअल मोड ऑपरेशन को। तो इस वजह से जो वर्चुअल मोड सिस्टम है, वर्चुअल मोड सिस्टम अलाउ करता है कि मल्टीपल डॉस पार्टीशंस जो कि लेंथ में 1 मेगाबाइट होते हैं, वो कोएग्जिस्ट कर सकें। कहाँ कोएग्जिस्ट कर सकें, मेमोरी सिस्टम में। तो ये तो अभी लेटेस्ट वर्तमान में ऐसा चल रहा है, लेकिन एसेंशली जो वर्चुअल मोड का काम था वो ये था कि यह अलाउ करता है, एसेंशली वर्चुअल मोड क्या करता है, अलाउ करता है सिस्टम प्रोग्राम को ताकि एग्जीक्यूट किया जा सके मल्टीपल डॉस प्रोग्राम्स को। इसके साथ वर्चुअल मोड का यूज़ होता है सिमुलेट करने के लिए। किसे सिमुलेट करने के लिए, डॉस को सिमुलेट करने के लिए। कहाँ पर सिमुलेट करने के लिए, मॉडर्न विंडोज़ एनवायरनमेंट में सिमुलेट करने के लिए वर्चुअल मोड का यूज़ होता है। इसके अलावा और भी स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं जिनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।